नहीं आवे। वो जिंदगी में जो आले नजर है वो उनको देखते हैं, उनसे बात करते हैं, वो जवाब देते हैं। एक अल्लाह का वली, एक बंदा दुनिया से चला गया, छोटा सा अमल के अर्ज करके तो मैं जाहिल करूँगा। बंदा था जाहिल, सामने पढ़ा लिखा नहीं नजर आया, तो एक काम होता था तो 5 वक्तों के बाद वो मस्जिद में जाता, कुरान पढ़ा हुआ नहीं था तो कुरान क्या करता था, तो आपके जब नमाज पढ़ने जाता कुरान करीम पढ़ाता, उनका मर्जी गुजर जाए और जब जहाँ से जाए तो ईमान सलामती के साथ आका की बारगाह में सफारिश कब्र में जाए, वहाँ भी जा रहे तो वही पढ़े कर सलात व सलाम अलैहि। कब्र जो है कुशादा होती है, वो बंदा है उसको यहाँ तक जैसे कब्र में सवाल जवाब होती है नकीराना आ गया वो सवाल जवाब का सिलसिला, तो जब ये बात होने लगी तो खुली कब्र में इतनी वसत में तो देखते हैं कि एक आदमी आ गया, वो आगे बैठ गया, दूसरा आ गया वो साथ आगे बैठ गया, तीसरा चौथा पांचवा अल्लाह आजम के आज 5 बंदे आ गए सब में बैठ गए, थोड़ी देर में देखते हैं और बंदा आ गया, वो आगे इमाम के मसले में बैठ गया। इस तरह जब देखते हैं तो उससे कहते हैं मर रब का, तो उधर से आवाज आती है इससे क्या पूछते हो, हम जो आ गए हैं, इससे क्या पूछते हो, हम जो आ गए हैं, इसका जवाब हम है, तो आप लोग कौन है, वो कहने लगे मैं जोर की नमाज, दूसरा बोला मैं असर की नमाज, तीसरा बोला मैं मगरब की नमाज, चौथा बोला मैं ईशा की नमाज, बोला मैं फजर की नमाज, देखिए आप कौन साहब है, तो कहने लगे मैं अल्लाह की वो कलाम हूँ जिसकी ये रोज तकरीर करता था, पढ़ा हुआ नहीं था लेकिन ये मुझसे मोहब्बत करता था और आंखों से लगाता था और इसका रोज काम, तो मैं इसके सिफारिश के लिए ये सारे हम इसके जवाब आ गए हैं, हम आपने इससे क्या पूछना है, तो ये देखे सारे को ये महसूस हुआ, तो ये बात देखने में तो छोटी लगी लेकिन इतनी बड़ा अजर मिला कि सिर्फ 5 वक्त नमाज अगर बंदा मस्जिद में जाता है पढ़ लेता है कुरान रोजाना जितना पढ़ सके वो पढ़े उसकी ज्यारत करे तो कितना बड़ा अजर स्वभाव हासिल हुआ, ये इतनी सी बात है। तो इसलिए अब हमें दुनिया में चले जाते हैं वालदैन, हम कितना उनके लिए करते, उन्होंने हमें ये हुआ कि अल्लाह ने फरमाया रब्बिर खम तुम्हारा पयानी सगीर यारा इनके ऊपर रहमत फरमा, जैसे उन्होंने मुझे बचपन में मेरे ऊपर तरस खाया नवाज की मुझे पाला पोसा, तो अब हमारा क्या फर्ज बनता है कि जब दुनिया से वालदैन चले जाए तो हमें क्या चाहिए, एक तो दुआ करें, एक बार अरहमद शरीफ, 3 बार कुछ शरीफ, अमूमन जनाजे के बाद भी करते हैं मौलाना साहब की जो सारे दुआ करें, और 3 बार सूरह इखलास पढ़ने का सवाब एक कुरान करीम खत्म शरीफ के बराबर सवाब हासिल होता है, और अगर साथ इसके सूरह फातिहा में ला दें तो ये 7 कुरान करीम के खत्म शरीफ के बराबर सवाब हासिल होता है, एक बंदे को 7 कुरान का सवाब हासिल हुआ, 500 बंदा जनाजे में चला गया, 500 बंदा दुआ कर रहा है हाथ उठा के या अल्लाह जैसा भी था ना जैसा भी था कलमा पढ़ने वाला था तेरे नबी का कलमा पढ़ता था या रब्बुल आलमीन इसके सब कुछ माफ कर, हम सारे इसके लिए सिफारिश आ गए दुआ जनाजे के बाद, जनाजे में भी दुआ जामे लेकिन मखसूस दुआ हो जाती है, और फिर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند دل دے پر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علی پیارے سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ ایک بار پھر محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علی پیارے سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم تیرے ہیں حمد و ثنا کے بعد انتہائی قابل سن احترام قابل ذی وقار پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی انتہائی مہربان و مشفق پیر سید اشفاق حسین شاہ صاحب زینہ صاحب مجدہو پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی حضور قبلہ عالم پیر سید ذاکر حسین شاہ صاحب زینہ شرفو پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا عالم باعمل حضور قبلہ عالم پیر ڈاکٹر قاضی محمد افضل علوی دامن برکات و قدسیہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کوئی بندہ یورپ میں جانے کا نام نہیں لیتا تھا لیکن ان مرد مجاہدوں نے پوری یورپ کی سرزمین پر اس وقت صرف میلاد مصطفیٰ پاکستان میں بھی ایک ہی جماعت بنا دی تھی جو جماعت اہل سنت تھی کون سی جماعت تھی جماعت اہل سنت تھی اور اس کے سپہ سالار امام نورانی تھے علامہ عبدالستار خان نیازی تھے بھی جناب علی صاحب کے خانوادے تھے خواجہ بہر علی کے خانوادے تھے سب ایک پلیٹ فارم پر تھے اور اہل سنت کو یہ درس دیا جاتا ہے کہ حضور کے صحابہ کے بھی نوکر بن جاؤ حضور کی آل کے بھی نوکر بن جاؤ میں دعا کرتا ہوں مولا کائنات ہمیں راجہ صاحب کی تربت انور کے اوپر ہم کھڑے ہو کر قبلہ آل نبی اولاد علی کے بارگاہ کے اندر قبلہ قاضی صاحب کی بارگاہ کے اندر ہم کھڑے ہو کر میں یہ تجا کر رہا ہوں مولا ہمیں ایک وقت وہ وقت ہمیں پھر دکھا دے جس طرح اہل سنت ایک جگہ پہ یکجا تھی یہ دائیں بائیں کے دانے پانے چھوڑ دو آج ہم چھوٹے تھے ہمارے بڑوں نے کیا شروع کر دیا ہے میں دعا کرتا ہوں مولا کائنات اہل سنت کو جمع فرما اہل سنت کو یکجا عطا فرما اور حضرت گلزار صاحب اور ان کی اہلیہ صاحبہ کی قبر انور پر ہزاروں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما ان کے بچوں کو جس انداز کے ساتھ یہ اپنے والدین کے لیے ایک اشارے ثواب کا وہ مجموعہ بنے ہوئے ہیں مولا کائنات ان کی آنے والی نسلوں کو بھی آباد فرما واخ خدا وانا لکھوں اولاد علی یہاں سے گزرتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سارش کے رسول کی تربت انور پر سلام پیش کر کے نہ جاؤں اس کی وجہ یہ ہے یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے لیکن ان کی محبت ان کو یہاں سے آگے جانے نہیں دیتی ان کی زندگی جس انداز سے گزری ہے اللہ کے ولیوں کے ساتھ پیار کرتے ہوئے گزری ہے ان کی اولاد یہاں سے آگے اس وقت تک نہیں نکلتی جب تک ان کے قربت انور پر حاضری نہ دیں
जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो सामी ने मुझे शाम इतनी जमील शख्सियात के सामने जी नहीं चाहता कि मैं लब कुछ ही करूं। आयत मैदान जिसमें मेरे रब ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, मन ना मेला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा, कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आले नबी औलाद अली की बारगाह के अंदर बैठकर सबक सुना रहा हूं, खिताब नहीं, ये इनकी मोहब्बत है, ये मेरा टूटे फूटे अल्फाज जो है मैं सबक सुना रहा हूँ। खालिक कायनात ने फरमाया, मन ना मिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा वो हुआ मुमिन। रब ने फरमाया पहले हमें ईमान वाला कह के पुकारा है लोगों, ईमान वाला जरा मोहब्बत से इधर मुतवज्जो हो जाए, मेहमान आते रहेंगे। रब ने क्या फरमाया लोगों, ईमान वालों, ऊंचा बोलिए लोगों, ईमान वालों, रब ने हमें ईमान वाला कह के पुकारा है, ईमान वाला हमें इस बात पे इस जुमले पे गौर कीजिए, खालिक कायनात फखर महमूदात का अगर हम सारी जिंदगी रब का शुक्र अदा करते करते जिंदगी बीत जाए, लेकिन रब का जो रब ने हमें ये लकब दिया है कि रब ने हमें ईमान वाला कह के पुकारा, रब ने हमें ईमान वाला कह के पुकारा है, यहाँ पे ये भी फरमा सकता था मुनाफिकों रब ने फरमाया लोगों ईमान वालों अमल अच्छे करो, अमल साले करो। फिर अगले मकाम के मेरे रब ने शर्त नहीं रखी है, आज राजा जबैर साहब की वालदे माजिदा की भी बरसी है और इनके वालदे मोहतरम की बरसी भी है, यहाँ पे मेरे रब ने फरमाया मिन ज़करिन औ उनसा, खा मर्द हो या औरत, क्या फरमाया खा मर्द हो या औरत, लेकिन हुजूर क़िबला शाह जी इस मकाम पे रब ने अगले मकाम पे शर्त रखी है और ये शर्त क्या है, रब ने फरमाया वह हुआ मोमिन, रब ने क्या फरमाया वह हुआ मोमिन, यहाँ पे मेरे रब ने शर्त रखी है, शर्त यह कि होवे मोमिन, कौन होवे मोमिन, हो सिर्फ मोमिन ही ना हो बल्कि कमली वाले का गुलाम भी हो, नबी की आल का भी नौकर हो, सिर्फ नबी की आल का नौकर भी ना हो बल्कि नबी के सहाबा का भी नौकर हो, मौला फिर क्या अदा करेगा। रब ने फरमाया फाला नुख ये यन्नहू हयातन तय्यबा, शर्त यह कि होवे मोमिन, मेरे नबी की आल के साथ प्यार करने वाला हो, मेरे नबी की सहाबा के साथ प्यार करने वाला हो और इश्क रसूल का चराग अपने सीने के अंदर जलाने वाला हो, फिर मैं उसे एक जिंदगी, ये दुनिया की जिंदगी है, एक जिंदगी वो अदा करूंगा, फला नुख ये यन्नहू हयातन तय्यबा, अजमत और शान वाली जिंदगी अदा करूंगा और बड़ी आला जिंदगी अदा करूंगा, लेकिन शर्त यह कि होवे मोमिन, मैं अल्लाह के आले नबी औलाद अली हुजूर क़िबला आलम की डॉक्टर काजी मोहम्मद अफजल अलवी साहब आप भी जलवा फरमाते हैं, आपके कदमों में हाथ रखकर ये बात करना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारा मसलक हमारा मजहब हम उस अकीदे के साथ ताल्लुक रखते हैं, जब सहाबा का जिक्र आए तो हम गज बज के करते हैं, सहाबा का जिक्र आए तो हम गज बज के करते हैं, डंडी नहीं मारते, आले बैत का जिक्र आए हम डंडे की चोट पे आले बैत का जिक्र करते हैं और अल्लाह के वलियों का भी जिक्र आए तो हम तब भी गज बज के करते हैं। हमें तो अपने मुकद्दर पे नाज करना चाहिए, हमें तो अपनी किस्मत पे नाज करना चाहिए। मैंने राजा गुलजार साहब लिखा जी उनकी हयात तैयबा के अंदर ये सुना है, आप फरमाते हैं कि मंचेस्टर की सरजमीन पर सबसे पहले मिलाद मुस्तफा का जुलूस का बानी मैं खुद था, उसमें इमाम नूरानी थे, अल्लामा अब्दुस सत्तार खान नियाज़ी थे और बिन जमाल अली शाह के खान वादे थे। अहले नबी औलाद अली के चमकते हुए हुए खून अब भी जलवा अफरोज हैं, ममनून मशहूर हूँ जनाबे मौजूद राजा जबैर हुसैन साहब का
जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी अपने वालिद गिरामी की सालाना इस पुरवकार तकरीब सही के अंदर हमें एक तो इन अजीम हस्तियों के मज़ारे आरिस की ज़ियारत के लिए और इस महफिल के अंदर हमें शामिल किया है खालिक़े कायनात फ़ख़्रे मौजूदात इनकी ये सहिया अपनी बारगाहे इज़्ज़त के अंदर शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। सामीने ने शाम अरसा दराज से इस बज़्म की एक जीनत बनने वाली शख्सियत अजीम आलम दीन शेखुल हदीस व तफसीर में हजरत अल्लामा अब्दुल रऊफ हाशमी साहब रहमतुल्लाह अलैह ताला जब से इस बज़्म के अंदर हाजिर होने क़िबला काज़ी साहब के साथ हाजिर हुए उस अजीम आलम दीन की ज़ियारत हुई, लेकिन दूसरा साल है वो अपने रब्बे जलील की बारगाह के अंदर पहुंच चुके हैं और मोहब्बत वाले लोगों का ये खासा होता है। राजा गुजरात साहब अपनी जिंदगी के अंदर जिन अल्लाह के वलियों के साथ तैयार करते थे, उलमा के साथ तैयार करते थे, तो उनके लखे जिगर राजा जबैर साहब से भी उसी बात को कायम किए हुए जो जिनके साथ वो प्यार करते थे उनको हर साल यहाँ पे मधु करके ये अक्सर बेशतर कहते हैं मुझे खुशी होती है कि जिनको मेरे बाबा जान देखकर खुश होते थे और इस अकीदत और मोहब्बत के साथ बुलाते हैं और हमारा ये ईमान और अकीदा है कि मरने वाला मरता नहीं, मर हो जाते हैं जिनके पिछले मर जाते हैं, जिनके पिछले जिंदा होते हैं, जिन्हें अपनी जिंदगी के अंदर माल और जायदाद नहीं छोड़ी बल्कि वो औलाद छोड़ी है जिनके सीनों के अंदर इश्क़े रसूल का एक पौधा लगाकर इश्क़े रसूल का एक चराग जलाकर दुनिया पे छोड़ कर गए। आज वो पौधा भी कदावर होता जा रहा है और उसके साथ जो शाखें हैं वो भी कदावर होती जा रही हैं और उनके सीनों के अंदर इश्क़े रसूल जगमगा रहा है। वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ये सरमाया है कि उनके आल औलाद उनके जाने के बाद भी समझ नहीं आती। साल छह माह के अंदर गुजर जाता है, कल का दिन था कि हम यहां पर, लेकिन फिर एक मैसेज आ जाता है बाबा जान के इसाले सवाब की मजलिस सजाने के साथ साथ कमली वाले का मीलाद मनाने आ रही है। तो सामने जी एहतिशाम ये वो बड़े मुकद्दर वाले हैं, बड़ी अजमत वाले हैं, बड़ी शान वाले हैं। वो क्यों ना शान वाले हो, उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह के वलियों की कदम बोसी की है, आले नबी औलादे अली के साथ प्यार किया है, हसन और हुसैन के बाबा के साथ प्यार किया है और उनके खानदान के साथ प्यार किया है। आज उनके जाने के बाद खा उनकी औलाद यूरोप की सरजमीन पर हो, लेकिन
डॉक्टरों की बात कर रहे थे तो उनकी याद बात आ गई कि मेरी 50 साल उम्र थी, अब तक 57 हो गया हूँ, तो किसी ने फैमिली में उड़ाई बात के बाप की ना अबाजी की पेंशन खाता है, तो मैंने कहा कि ये सब सुन लो, इतना खुश नसीब इंसान हूँ कि बाप के टुकड़ों पे पैदा हो और आज भी 50 साल में बाप के टुकड़े खाते हैं। किसी ने जीत की तो जुड़ने जाने तो हमारी मोहब्बतों के मरकज और मैं हजूर बड़ी शफकत माते हैं सईद व सरदार हजरत से मुजम्मल हुसैन शाह सब क्या भी गए मदीना से, तो इन शाला तला हमारे लिए नाम भी बहुत सब खुशी करेंगे। हजूर नारा तकबीर, नारा रिसालत, जहां कहीं जा रही तो वो तो ज्यादा गौर फॉलो कहने लगे जे मैंने कहा फिर जी कब्र पर दुआ, मैंने कहा जी कब्र पर दुआ थी लेकिन ये जो दुआ है इसके लिए आप आदमी उठाया आप नहीं मान पाए, तो मैंने इसलिए मसला पूछा कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, तो मैं सत्र में पढ़ा रहता हूँ यार पता नहीं हम ठीक है गलत है, तो कहने लगे 40 की बात तो मैंने आपकी हदीस के हवाले से बताई, मैंने कहा आप ये जमानत कबल आज गिरफ्तारी है जो इसके बाद दुआ है ना जनाजे के बाद ये नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हजरी जनाब मशाय खदाम आले नबी औलाद अली जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आप देख रहे हैं गुलिस्तान में आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजा हुआ है, सदा तो ना सही तो आज बोलो किसी का जवाब नहीं होना चाहिए, इस वजह से जकीला भी से मुजम्मल हुसैन शाह साहब तशरीफ लाए हर साल की तरह, तो आपने जाना था कल हमारा प्रोग्राम था मगर आपने फरमाया था कि मैं कल मदीना शरीफ नहीं सकूँ और जाने अपने नाना जान को मिलने और अपने भी जान को मिलने, तो कितनी खूबसूरत बात है कुछ करते हैं कि हम क्या ठीक क्या क्या कैफियत होगी जिनकी माँ इतनी अजीम सारी माँ से अजीम माँ है, तो इसलिए आपने जाना था तो आपने फरमाया कि अगर आप हफ्ते को कर लें तो वो अच्छा होगा, तो मैंने फरमाया पिछले साल आपने फ्री टिकट प्रकार कर हमारे लिए आप आए तो इतना हम आपके लिए नहीं कर सकते, बड़ी मोहब्बत और शफकत आप फरमाते, तो मैं बहुत मुख्तसर किला सही मंजिल शहन शाह साहब किला भी तशरीफ आए हैं पी साहब किला सरदार साहब भी तशरीफ आए हुए करने के, तो हजूर ने जाना आपकी फ्लाइट है इन्होंने जल्दी जाना, तो मैं सिर्फ चाहता हूँ कि अगर है कि मैंने सर बताया है मैं एक ही चाहता हूँ कि हजूर किबला काजी साहब हजूर आगे के दस्त जिगर हजरत सजाद हैदर अली महकूमे से सजाद हैदर अली साहब बड़ी खुशी नाशिक पढ़ते हैं ईद के बाद किबला हजूर का फौरन पढ़ता है, आगे फिर अपने बच्चों की तरबियत की है, फिर देखो खुदा के शान जुबैर से बढ़कर इनकी बीवी मामिन है इस मामले में, ये किसी वक्त कहे ना कि पैसों का मसला है क्योंकि तनखादार बंदा जो होता है उसका सिलसिला होता है ना, तो ये किसी वक्त कह देना इस वक्त पैसे नहीं है जाना भी है बच्चों ने भी साथ जाना है अल्लाह मेरी उस बेटी को सलामत रखे, वो कहती है राय साहब आप परेशान हो सब इंतजाम हो जाएगा, तो बीवी साथ है तो फिर बंदे का गुजारा हो सकता है, बीवी पिकट लाभ में तो रोज माशा बनाया जान लगे तो देखिए सारा स्वाद ही खराब हो गया सारा स्वाद ही लाया हो गया, ये भी उसी दिल से आते हैं कि गहरी हमारी बेटी है वो भी उसी मोहब्बत से आती है बच्चे भी उसी प्यार से आते हैं उसी अदब से आते हैं, और राजा जुबैर साहब ने अपने बच्चों को अदब सिखाया अपने सदा सिखाया है अपने शहर का बुजुर्गों का अदब सिखाया है, आप से तशरीफ लाते हो अली साहब भी आते हैं हमारे साहब साहब के बेटे बैठे हैं वो बुजुर्ग थे हमारे मेरे यार से मोटी जवानी के मैं भी जवान था कभी इस वक्त वो मेरे उदू के यार सर मैं जिन जिम्मा बरामदा शुमारी पहले तो उसी उस इकट्ठे होते सारे अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन उन्होंने जो फूल यहाँ लगाया है अपनी मोहब्बत का जो इजहार किया है अल्हम्दुलिल्लाह जुबैर साहब हर जुमे की वीडियो भेजते हैं एक मस्जिद साहब साहब बड़ी बड़ी होनी इंशाल्लाह एक बड़ी जगह बन जानी बहुत बड़ी जगह बन जानी इंशाल्लाह वेलियाँ बन जानी जो थोड़ी गिफ्टी
ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਕਾਮਤ ਆ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਫਰਮਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਬਾਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਇਓ, ਅੱਲਾਹ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਕ ਸਦਕਾ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਦਰਜਾ ਬਤ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਕੇ ਫੈਜ਼ਾਂ ਮੇਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਫਰਮਾਏ, ਬਵਾ ਲਈ ਨਾ ਕਿ ਦਰਜਾ तेरी सरकार में लाता।
بشر کے لباس میں آئے. اگر بھی یعقوب دروازے پر اسحاق علیہ السلام کو ملنا ہے انہیں گالی نہیں مل سکتی. فرمایا میں بڑا ضروری پیغام لے کے آیا ہوں, فرمایا کچھ بھی ہے نہیں مل سکتی. انہیں کہا میں جبریل ہوں, خدا کا پیغام لایا ہوں. وہ یعقوب علیہ السلام کی عظمت میں قربان جائے, کہا میرے بابا کا فرمان ہے کوئی نہیں مل سکتا, تو بھاوے جبریل ہے پھر بھی نہیں مل سکتا. اس ادا پر جبریل نے کہا انت اسرائیل, تو اللہ کا بندہ ہے. یہ نقب اسرائیل جو تھا جس سے بنی اسرائیل بنا, اس میں 40,000 نبی آیا, یہ لقب جبریل نے دیا تھا حضرت یعقوب کو. کس ادا پر؟ باپ کی فرما برداری. باپ کی فرما برداری پر. میں نے راجا زبیر صاحب کو بابا سے پیار کرتے بھی دیکھا ہے, لان کرتے بھی دیکھا ہے, چومتے بھی دیکھا ہے, قدم چومتے بھی دیکھا ہے, قدم دھوتے صاف کرتے پھر چومتے. یہ ادا ایسی ہے جو یہ ثواب ہے کسی عبادت والے نہیں ہے. بول کسی آج کل 15-20 لاکھ روپیہ لگتا ہے حاج کا, پھر کی مرضی قبول کرے نہ کرے, قبول کرو کرے, صفا مروا کر, سات چکر کابلا کر, پھر منا جا, کپڑے لا کے اردو صبح فات بھی جا, سارے دن بیٹھا ہوتے کوئی گل نہیں کرنی, کوئی مالا پڑھنی ہوتی, شام کو زلفہ, شام شوقی اخبار, سویرے پھر جگہ جو حال ہوتا ہے یہ اجکاری میں پتا کیا ہوتا ہے, پھر آ کے کہہ کریں بار بڑی مشکل جو بھی کہہ کریں, پھر آ کے نواف زیادہ سنا اتنا کچھ کرن دے باوجود بھی ہوگی مرضی یہ قبول کرے یا نہ کرے, مرضی یہ قبول کرے. لیکن میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے جس نے اپنے باپ کو محبت سے دیکھا, پیار سے دیکھا, میرا اللہ اس کو حج کا ثواب عطا کرے گا. نہ لگنے نے تے نہ ہی مشقت کرنی پہنی, صبح اٹھے باپ دا جڑا پیار نال ویکھ تے قدماں دا بوسا لے, بس بابے دی مسکراہٹ دی جنت دی بشارت. میں نے راجا زبیر صاحب کو اپنے باپ کی خدمت کرتے دیکھا ہے, بہت کم لوگ ہیں. میں اپنے شاہی صاحب کے قدم کیوں تک حضور کی اللہ شیخ میرے شیخ, یہ ساری اولاد میرے حضور اللہ کی بیٹھی ہے, تو میرے شیخ بڑے عظیم صاحب وہ غیر شریف کوئی بھی کام نہیں سن کرنے, حضور کی اللہ جوڑے جوڑے غیر شریف کام نہیں سن کرنے دے. میں اس دن پنڈی صاحب پر سوچو یہ رولے آئے جائے پرانے رولے میں رولا پہ گیا کہ جبریل افضل ہے کہ ابوبکر صدیق افضل ہے, تے رولا دو بڑے عالم کے درمیان پیا. علی صاحب غزالی یہ زمان سید احمد سید شاہ صاحب قاضی ملتان والے محدث سیادت پاکستان مولانا سردار صاحب, ان دونوں کے درمیان جبریل افضل ہے یا ابوبکر صدیق افضل ہے؟ مولویاں دی پیر ادھر بھی مولوی شگرد ادھر بھی مولوی شگرد, جسے مولوی پی جان لگ وہ کوئی کام نہیں بنیا رہتا, یہ مولوی پی جائے اللہ جانتا ہے سارا دینا بگاڑیا. اب دیکھو نا ساڈے رزوی لگے لگے آپ نے میں صحیح رزوی ہے تو نہیں ہے, میں بریلوی ہوں تو نہیں ہے, سارے مامے بڑے پھرتے ہیں بریلوی ہے. بابا بریلوی وہ ہے, ہم نے ہم بریلوی نہیں, ہم جماعتی ہیں, ہم بریلوی نہیں ہیں, بریلوی ان کے مرید ہیں, ان کے شاگرد ہیں, ہم حضور کی عالم کے مرید ہیں, ہم جماعتی ہیں. جب میرے شاہ تمام دنیا میں تھے اس وقت کوئی عالم کو جانتے ہی نہیں تھا, اس وقت دنیا میں پیر میرا پیر, دنیا میں پیر مہری علی جو عالم بھی تھے پیر بھی تھے, یا جماعت علی کا نام تھا یا مہری علی کا نام تھا یا سب سے شمس دار سیالوی کا نام تھا, یہ لوگ تھے اس وقت. یا سے یا محدث چوشنی دے ان صداق کا چرچا تھا, اعلی حضرت نے صداق کی نوکری کر کے اپنا نام کیا ہے, انہیں سارے کو پاس کر دیں صداق باندھے آپ بریلوی نے. اعلی حضرت نے کیا کہا کہ دعائے تلخ بخور شہد نوش پوئتا نہ جوش, یا مریض بدار شفایا دے رسول, کوڑیاں دعاواں نہ پی شہد دے پھکے مار کی کر, کوڑیاں دعاواں بیا مریض او جیو جا مریض بھی ہے
وہ آگے سونیا قدمہ لے شفا مل جائے گا. میری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, نور ہے نور تیرا سب جانا یہ کیتا تھا. بڑا اوکھا کام ہو گیا ہے اس دور دے وچ. میڈیا دور علی صاحب کمرے میں بیٹھ کے انہیں نے بکواس لاگو کر دینی. ہر دور میں سید رہے گا. سرکار نے ہمیں زمین والوں کی سلامتی کی امانت اور سلامتی کی نشانی میری اہل بیت ہے. آسمان والوں کی سلامتی کی نشانی آسمان کے ستارے ہیں. جب تک ستارے رہیں گے آسمان والے سلامت رہیں گے, جب تک میری اہل بیت رہے گی زمین والے سلامت رہیں گے. اخوایا المہدی بن اہل بیت کی کلو حاسا بن و ناسا بن ان کا دیوں اتنا حاسا بھی و ناسا بھی ہر کسی کا شکو نظر نکتے ہو جائے گا. میرا قیامت تک باقی رہے گا المہدی بن اہل بیت کی تو میں مہدی بھی میری اہل بیت سے ہوگا. دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کا قرآن ہے, ایک میری اہل بیت ہے. جس نے دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور یہ دونوں کیا بتا اور مجھے اسے کوثر پاک کرنے لے گی اہل بیت بھی اور قرآن بھی. یہ رونا علی صاحب کے جبریل افضل ہے یا ابوبکر صدیق افضل ہے؟ علماء کے قبض علی پور شریف آیا میرے حضور کی اللہ جو رحمت کرتا ہے کہ حضور دو بڑی شخصیتیں ہیں غزالی زمان کہتے ہیں ہم سید احمد مسیح صاحب سید شاہ صاحب کو اور یہ محدث اعظم ہے مولانا اللہ کے محدث اعظم کو فیصلہ باد بٹھانے والے میرے حضور کی اللہ عالم تھے. جب انڈیا سے پاکستان ہے تو علی پور شریف آئے نال چندر کے پنڈے ہوتے آپ نے امامت بھی دلائی مجھ بھی دیتی دانے بھی دیتے تھے بسترے بھی دیتے. وہ دیکھ بعد قبلہ عالم نے سالوں کی آپ نے امام لایا ہے وزیر آباد دس سالوں کی. پھر قبلہ عالم نے جیسے جان بازار مسجد جی تھا اتنے چار جمعے میرے قبلہ عالم نے پڑھائے ہر جمعے فرمان لے 5000 فقیر دے گا. چوتھے جمعے فرمان لے میں اعلان کرتا رہا تو فقیر کو پیسے نہیں سن اج سارے ہی آ گئے سارے لے لو. پھر مولا سردار مولا صاحب میں تھوڑے نال ہاں اتنے ڈیرا لاؤ انہوں نے کام کر کے دسیا ہے سارے پاکستان مولا سردار صاحب لے کے آئے کیونکہ انہوں نے مرید سن. رولا پیا گیا سارے علماء اکٹھے ہو کے علی پور شریف آئے حضرت صاحب تشریف لے آئے میرے رکن جو مسجد کی تے میرے استاد جی سن مفتی غلام صاحب نے کہا کہ علماء دا وفد ہے تشریف لے آؤ آپ بیٹھی. انہوں نے آخیا دور رولا ہے کہ جبریل افضل ہے یا ابوبکر صدیق افضل ہے؟ صدقے جا میں اپنے پیر کی شان ہوں. فرمایا مولوی صاحب ہم کرے دسو کہ ٹگا چل گیا کہ سڈا چل گیا؟ ٹگا چل گیا کہ سڈا چل گیا؟ سارے مولوی کہہ رہے ہیں ٹگا اپنے سے چل گیا تو سڈا اپنے سے چل گیا. فرمایا بڑے پاگل ہو وہ جبریل نوری ہے وہ اپنی قوم میں چل گیا ہے ابوبکر صدیق بشر نے لیکن مقابلہ کرو صحابہ نا مقابلہ اہلِ بیعت نہ کرو. اہلِ بیعت دی جنسی ہو رہے ان دی پدائشی ہو رہے ان دا بکبائی ہو رہے صحابہ کا مقابلہ صحابہ سے کیا جائے تو سب سے افضل سین ابوبکر صدیق کی ذات ہے. جس کا کل افضل ہو اس کا جز بھی افضل ہوتا ہے. بول اس کا جز بھی افضل ہوتا ہے. کل سے خوشبو آئے تو جز میں بھی خوشبو. سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بدعا تمہیں نہیں فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میری جان ہے میرا روح ہے. علی کے برنا آنا والی اخیفت دنیا والا کیا اور میں اور علی دنیا میرا حد میں دونوں بھائی ہیں دین و دنیا کا بھائی دین و دنیا کا سلطان علی ہے. قبر کا رشد کا سامان علی ہے. ایمان کے متلاشی ہو ایمان کی کہہ دو ایمان کی قسم میرا ایمان علی ہے. فرمایا میں اور علی ایک نور سے ہیں میں اور علی جسموں کا جسمی شاہ جی بڑا اوکھا ہے میں تیرے
अलवी साहब तुम अलवी हो ना मौला कायनात की जात हो। हर दौर में मुश्किल था, खुद के जमाने सरकार मेंबर पर जलवा कर है, मेंबर पर जिक्र इसलिए करो कि ये इबादत है, बोल जिक्र है इबादत है। फरमाया मेरे लिए का जिक्र करो इबादत, मैं फकत की जीनत का जिक्र है। मौला कायनात सरकार मेंबर पर जलवा कर है और ज्यादा ज्यादा हजूर हो रहे हैं और पूरी मंजर कशी क्यामत की बयान कर रहे हैं। फिर मैं ना बताया अली, अली कहाँ है लबैक है यार शाह, हजूर ने बुलाया करीब की या सीने से लगा, फिर पेशानी चूमी, फिर फरमाया आला की आला वो अपना अम्मी आला की अपने अम्मी वो खतनी, ये मेरा भाई है चचा का बेटा है मेरा दामाद है, किनको कहा इनको कहा, वो सामने कौन थे जिनको सरकार खिताब कर रहे थे, सोची पे आ गया मैं तुझे तो नहीं होते खुद से आभा शान कौन बोलो क्या शाहबर जान दिया दूर का भाई क्या शाहबर जान दे रोते ने दूर पे रो रहे ने फरमाया आगा की ये मेरा भाई है मेरे चचा का बेटा है ये मेरा दामाद है हाजा अबू सुफयान अल हसन वल हुसैन ये हसन हुसैन का पापा है वो जंतियों के सरदार है। ये सारी बातें क्यों सुनाई कोई बात तो थी ना बोलो कोई बात थी ना सरकार रो के सहाबा को फरमा रहे हैं ये मेरा भाई है चचा का बेटा है मेरा दामाद है हसनैन का बाप है वो हसनैन के जंतियों के सरदार है। फिर फरमाया जो इससे मोहब्बत करेगा उसने मुझसे मोहब्बत की, जो इससे बगावत करेगा उसने मुझसे बगावत की, फिर फरमाया मोमिन के साथ अली से मोहब्बत भी करेगा और मुनाफिक के साथ अली से नफरत भी करेगा। हजूर ने म्यार मुकर्र कर दिया मोमिन और मुनाफिक का, फरमाया अगर मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी हो तो मेरे अली का जिक्र करो, जिसके चेहरे पर रौनक आ जाए वो मोमिन है, जिसका चेहरा मुर्दादे के डर बड़ा पीर और बेईमान मुनाफिक है। क्या बोलो जिक्र अली इबादत है, जिक्र अली मोमिन की पहचान है। ओ जिक्र अली किया क्या, जिक्र अली किया क्या, इसलिए कि इसमें बड़ी जान है। मेरे ताएदारे मदीना ने एक ही मौका है जिसमें अली नहीं जंगे तबूक जंगे हर जंग में मेरा मौला है। दो गले दो बातें आप बता दो, तीन जंगे हमने काबू में की अली साहब, तीन जंगे बदर उहुद और खंदक ये काफियों से थी, चौथी जंग जो खैबर है ये यहूदियों से थी, पांचवी जंग जो है वो ईसाइयों के मुकाबले में अपना नाम अपना कुम निशाना व निशाना लाओ तुम अपने बेटे मैं भी दाता हूँ अपने बेटे तुम अपनी ओर से लाओ मैं अपनी ओर से लाता हूँ अनफुसा नाम अनफुसा तुम अपनी जाने लाओ मैं अपनी जान लाता हूँ सुमर नब सही बना जान लान कर लड़ का दे भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कुछ ऊपर खुदा की लान लगा पहली जान जंगे बदर है मदीने वाले निकले मुकाबले में वो मक्के के चौधरी थे ना सरदार थे उन्होंने कहा मोहम्मद ये कमी है मदीने वाले हमारे मुकाबले में हमारी बरादरी के लोग निकाले हमारे खानदान के हमारे जोड़ के मुस्तफा करीम ने इधर से हजरत हमजा को बुलाया इधर से मौला अली को बुलाया इधर से हजरत अबू उबैदा को बुलाया तीनों का अगर हमारा देखो ये तुम्हारी बरादरी के हैं या नहीं है ये मेरा चचा है ये चचा का बेटा है ये तुम्हारी बरादरी है या नहीं। फिर बदर में 313 के मुकाबले में हजारों थे उनके पास दो गोरे छह जरहे और शमशीरे पलटने आए थे वो लोग दुनिया भर की तकदीरें ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था निराला था इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था निकले फिर मौला अली की तलवार चली खुद फरमाते हैं मैं जब तलवार छान लगता था गर्दन पहले गिरी होती थी रावाल अक दिन हजूम हजूम आगे बढ़ो
हजूर ने फरमाया अली तेरे आगे आगे जबरील था, हजूर उसके घोड़े का नाम था, वो तुझसे पहले गर्दन उतार के कहता अली आ जाओ, उस जंग का भी हीरो मौला अली है। फिर बदला लेने के लिए ओहद हुआ, अबू सफियान उसकी बीवी पूरा लश्कर लेकर आए और बीवी उस वैशी को भी लेकर आए जो तीर अंदाज था, नेरा मारने का माहिर था। वो आए सहाबा पता समझ कर निखर के मालिक नीमत उठाना शुरू कर दिया, उन्होंने से हमला किया जिसमें हजरत सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा शहीद हुए। एक कुरान मच किया कि हजूर के दम मुबारक शहीद हुए, हजूर शहीद हो गए। मौला अली तलवार चला रहे इस अंदाज से, जब सरकार के करीब पहुंचे तो फरमाया अली मुझे अपनी जान की परवाह ही नहीं, अर्ज किया आका मैंने सुना किसी ने आवाज दी कि हजूर शहीद हो गए हैं, तो मैंने कहा मैंने जिंदा रह के क्या करना है। फरमाया अली जब तू तलवार चला रहा था तो जबरील बा मलाइका बमा मलाइका ये नारा लगा रहा था कि शाह मरकम शेरी अलकम कुवते पर और दीवार ला फताए तारी ला साफ है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उहद का भी हीरो मेरा मौला अली। तो उसके बाद फिर बदला लेने के लिए मुस्तफियान आया, खंदक जिसको कहते हैं जगह खंदक, वो खंदक पार कर के अमले अपने खुद आ गया शादी, अमले अपने खुद हजार बंदे के मुकाबले में तन्हा लड़ने वाला, उससे ललकारा है को मेरा मुकाबला करने वाला है को मेरा मुकाबला करने वाला, वो ललकार रहा है सहाबा खामोश बैठे हैं, सरकार सबको देख रहे हैं। जब तीसरी बार ललकारा तो फिर मौला अली खड़े हुए, अर्थ की आका मैं बर्दाश्त नहीं करता ये बेईमान ललकार रहा है आपके गुलामों को, अली भी हो और ये बड़ा भी ललकार है। कमली वाले आका ने सर पे अपनी दस्तार दी, हाथ में हुजूर ने तलवार दी, फिर दामन बांध कर खुदा की बारगाह में अर्ज की मेरे मौला मैंने अगर ये अबू बैदा को बदर में कुर्बान किया, चाचा हमजा को खुद ने कुर्बान किया, अब अली के सिवा मेरे दामन में कोई नहीं। बस फिर अली ने कदम चूमे सरकार के, अमर इब्ने बुद्ध के सामने आया, उसने कहा तो मुझे जानता नहीं मैं अमर इब्ने बुद्ध हूँ, हजार के मुकाबले में तन्हा लड़ने वाला हूँ, फरमाया तो मुझे नहीं जानता मैं कौन हूँ, कहा बता तू कौन है, कभी माँ का नाम नहीं लिया, ग्यारहवा संपत की उम्मी है और मेरी माँ ने भी मेरा नाम हैदर रखा, तो जबान तो ये हैदर हैदर निकली ही नहीं, अब तो हैदर हैदर जरूरी हो गया, अब ये जरूरी हो गया इन बेईमानों को जलाने के लिए, ये जरूरी है हैदर करना। हैदर मैं जान लूंगा क्योंकि दुआ के बारे में हुक्म है, दुआ मुख के बाद सारा कुछ करे, तो दुआ करें तो इबादत का मगज है। हम लोग जनाजे के बाद जब दुआ करते हैं, मैंने कहा जनाब ये जनाजे जब कब्र में बना जाता है, हमारा ये कहना है कि हम 500 बंदे ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा किया, अल्लाह की रहमत जोश में आती है, उसको कब्र में जाने से पहले उसकी बख्शिश हो जाती है, और ये जो बाद की दुआ कर रहे हैं वो इस तरह के बाद गिरफ्तारी के पहले गिरफ्तारी होगी और उसके बाद सिफारिश करने के लिए पहुंच गए मलिक साहब चौधरी साहब ये हो, तो उसमें क्या जी जनाब ये हमारा बंदा है ये बड़ा अच्छा है तो मैं इसकी सिफारिश कर मैं इसकी जमानत दे रहा हूँ, वो कहते हैं अच्छा मलिक साहब जो चिदत प्रेट हो गई थी वो तो वापस नहीं होगी, अब जो है आप आ गए हैं तो आप चले, आपने सिफारिश की हम इसको छोड़ देते हैं, मकसद वो कबर गिरफ्तारी बख्शिश और ये बादस गिरफ्तारी थोड़ा सा इसमें ये इम्तियाज है। मैंने ये कर दिया कि दुआ जो है अब दुआ मुफ्त इबादत, जितना भी अमल करेंगे अल्लाह करीम से जो नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराजगी का इजहार करता है, ये दुआ जितना भी मांगे जिस वक्त भी मांगे उससे मांगते रहना चाहिए, हमारा काम है मांगना अता करना उसका काम है, इसलिए हमें एक बात ये दूसरी बात लंबे चौड़े जो इत्तमाम होते हैं जितनी इस्तेआत उतना करता है बंदा खिदमत करता है, लेकिन अगर कुछ भी ना हो यार रोजाना एक बार अलहम्मद शरीफ तीन बार कुल शरीफ तीन बार कुल शरीफ पढ़ के अपने वालदान के लिए और दो नफर कोते वालते हैं रोजाना अगर पढ़ लिए जाएं तो ये उनके हुकूक जो हम पूरे नहीं कर सके
जिंदगी में नहीं कर सके या मरने के बाद तो हमें नसीब नहीं हुआ, तो वो दो रकात जो है उसका जो है वो हो जाता है पूरी बात उनके हुकूक की, तो वो अल्लाह ताला हमको उसका अजर अता करता है। हमारा ये हक बनता है कि हम जाने वालों के लिए दो रकात का मुसलम हुकूक के वालदान रोजाना पढ़ लिया करें, और एक बार रहमत शरीफ, तीन बार कुल शरीफ, तीन बार दरूद पाक पढ़ के कितना टाइम लग जाता है। हमें ये चाहिए कि हम रोज ये अमल शुरू करें। अगर एक बंदे ने भी शुरू कर दिया तो मेरी इस बात का मुझे निजात का जरिया बन जाएगा। मेरा ख्याल है मैंने जहाँ भी अर्ज किया तो अक्सर लोगों ने कई बार मुझे बताया कि जब से वो बात आपने की थी ना तो उस वक्त से हमने नफर नहीं छोड़ी, हुकूक के वालदैन भी इशारे से बात करते हैं। तो अल्लाह करीम हमें इस चीज़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो चीज़ है ना, हम लोग जो दुनिया में आए हैं तो हमारा ये एक तस्बीह की तरफ हम परोए हुए जाने हैं। किस तरह देखें कि मोहम्मद से वफा, वो तो एक बात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की वसादत से मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहब्बत असल है उनकी, न तेरी है न मेरी है। ये देखें तो इसमें ये बात आती है कि अगर तीनों दुनिया से सुलह होना तो फिर इस पे गौर कर लें कि राजा साहब कहाँ बिहारी घर से आके यहाँ मिलाद मनाते हैं, अपने वालदान से मोहब्बत का इजहार करते हैं, नाम क्या है वालदान से मोहब्बत का। लेकिन हम लोग जहाँ भी कुछ करते हैं, जीना हो या मरना हो, हम मिलाद की जिक्र करते हैं, हुजूर की बारगाह में जिक्र अज़कार और दुरूद का तोहफा भेजते हैं। तो राजा साहब हो, आप लोग हों, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, तो इस तरह से आके हम इकट्ठे हुए तो किस हवाले से। हमें एक मरकजी चीज अल्लाह ने अता की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद की वसादत से मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहब्बत असल है उनकी, न तेरी है न मेरी है, कोई किधरों थे कोई किधरों, क्षमा दे आए परवाने। ये कोई पता नहीं कुछ कहाँ से आ रहा, हम लोग पिंडी से आ गया, अलीपुर सैदा से जरा तशरीफ ले आए हैं, कोई इंग्लैंड से आया हुआ, कोई जेलम से आया, गुजरात लालम से, जहाँ जहाँ से आया। तो इसमें क्या है कि असी तो खाने आ यार, खुदा दे यार, असी ते खाने आ यार, तौफीक अता फरमाए। राजा गुलजार साहब की आलिया मोहतरमा की कब्र पे करोड़ों या रब रहम करके दुरूद रहमतों पर नज़ूल फरमाए, और जितने आने वाली हैं सबकी जोड़ियां रहमतों पर कुदरत से मालामाल फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल्लाह। बस उसने वार किया, पेशानी पे निशान आया, शेर जब जख्मी हो तो फिर पलट के वीरान करता है, फिर मलाइका ने अपने वार किया, सर से लेकर जिस्म के दो टुकड़े किए, फिर घोड़े के दो टुकड़े किए, तलवार जमीन में धंस गई तो जमीन ने भी पुकार कहा मौला अली के तलवार से बचा दे। वार एक टुकड़े चार, वाह हैदर करार, वाह हैदर अल्लाह, वार एक टुकड़े चार, वाह हैदर करार, वाह हैदर करार। सूफी का ये नारा है,
काजी की ललकार, वाह हैदरे करार, वाह हैदरे। ये तीन जंगें हुई हैं काफिरों के साथ, चौथी जंग वही यही होगी। 40 दिन अली साहब सहाबा जाते रहे बगाली, 40 दिन, 40 दिन के बाद सरकार फरमाया अली कहाँ है, और साथ फरमाया सुबह मैं अलग उसको दूंगा जो मर्द होगा। क्या होगा? वो खुदा से मोहब्बत करता है, खुदा उससे मोहब्बत करता है, उसको अलग दूंगा। सदाकत के बाद क्या सदीक फरमाते हैं मैं सारी रात चलता रहा शायद मेरे की तरफ हो जाए। सुबह फरमाया ऐना मुका यार यही कहा है, घमले वाले की आंखें टूटती हैं, बीमार है, हमें लाओ। हजूर ने अल्लाह के दर आंखों में लगाया, आंखें ठीक हो गई। फिर हजूर ने अलम दिया, तलवार दी, उधर इधर अमर ने बहुत सी उधर जरा सी ना उधर की ना ऐसा रहा है। बदर का जो सबसे बड़ा काफिर था वो जो हजरत अली के मुकाबले में आया था, जिसको अली साहब है ना, जिसको हजरत मौला का नाम ने उछाड़ा था, उसका नाम था मरहब। उसकी माँ ने कहा था हर किसी से लड़ना पर जिसका नाम शेर हो उससे ना लड़ना। माँ ने बताया था तो उसने पूछा था तो आपने वही जवाब दिया था, सब मतमी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। फिर उसको भी बिछाड़ा, टुकड़े किए, फिर हैबर का किला जिसे कई आदमी उठाकर खोलते थे, मेरे मौला ने ऐसे ऐसे उठाया ऐसे, और 70 गज दूर जा अपना दरवाजा खैबर है। यहूदियों की फतह भी मेरे मौला ने की, और पांचवी जंग थी ईसाइयों के खिलाफ, जिसमें खुदा ने कहा महबूब इनको चैलेंज करो कि तुम अपने बेटे लाओ तो मैं अपने बेटे ले आऊं। खुदा को पता नहीं था कि मेरे महबूब के बेटे है ही कोई, इब्राहिम भी टूट गया, कासिम भी टूट गया, तो क्यों कहा अपना नाम अपना को, जरूर किसको लाए, असन को लाए, हुसैन को लाए। ये असन हुसैन मेरे हजूर के बेटे हैं, इसके बोलो मेरे हजूर के बेटे हैं। अब्बास सिद्दीक़ अकबर की अजमत पे कुर्बान जाए, कच्चे निकले मौला ने उसे मशीन गली में चलते असन के खेर दे सारे, आगे बढ़ के वो सिद्दीक़ ने उठा लिया, सीने से लगाया, माथा चूमा, मौला जी देख रहे हैं, माथा चूमे का ही ये तेरा बेटा तुझ पे नहीं गया, ये अपने नाने पे, इसकी शक्ल तुझ पे नहीं, इसकी शक्ल नाने पर है। नाफ तक असल शक्ल मुस्तफा थे, और नाफ से कदमों तक शक्ल हुसैन थे नाने की, दोनों इकट्ठा करते सहाबा तस्वीर मुस्तफा बन जाती। लेकिन मेरे आका हुसैन का एक ही बेटा ऐसा था सर से लेकर पांव तक तस्वीर है मुस्तफा। जब वो मदीने की गलियों में चलता था तो मदीने वाले खड़े होकर देखते थे वो अली अकबर जा रहा है, कहते थे नहीं ये तो तस्वीर है मुस्तफा जा रहा है, ये एडा सोना पुत्र सर से लेकर पांव तक तस्वीर है मुस्तफा था। मेरे करीब हुसैन ने नानी के दीन के लिए कर्बला में कुर्बान किया है, और लाश अकबर दी वे हुसैन गया गल यार दी गलों ने लाई दिए, और दैन सोने मोहम्मद के नाम को तो सोने की दीवार नहीं चाहिए थी। बात करने लगू तो कई घंटे भी बोल सकते हैं, लेकिन मुझे भी जल्दी है, मेरा ड्राइवर बीमार हो गया, ड्राइवर खुदा से मेरा मुझे बेटा है मेरा वो शिकेट भी है यहाँ मार्गदर्श में से किया है, तो ताबेदारी बड़ी करता है, मुझे तरस आ रहा है इसकी तबीयत देखकर, तो मैं यहाँ गाड़ी नहीं चलाता पाकिस्तान का, उससे मैं मास्टर ना गाड़ी चला रहा क्योंकि उत्थे राय साहब जानने गड्डी भी चंगी थे सड़कें चंगी तो इतने तो राह भी नहीं चंगे थे गड्डी भी तो है माड़ी चंगी है ही, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें छोड़ जाऊँ तो मैं खुद अफसाबाद जाना है वहाँ ससुराल के यहाँ, क्योंकि मेरी बदिन ला भी सिस्टर ला भी और मेरे बदिन ला भी नाल जा रहे हैं, उसी पाँच बंदे पाँच तनखा के नाल जा रहे हैं, तो मैंने शाम को वहाँ पहुँचना है। लेकिन मेरे जुबैर की मोहब्बत मुझे खींच लाई, राजा साहब की इनकी वालदा मेरी माँ थी, जब मैं जाता था उनके घर तो वो सब हर किसी के सामने नहीं होती थी, पर्दा थी, इनकी वालदा किसी के सामने नहीं जाती थी, लेकिन मैं जब जाता था तो वो तशरीफ ले आते, फिर मुझे देखती रहती फिर मुस्कराती, फिर वाली शाह साहब आप बड़े ही चंगे हो, तो मैं आप वास्ते दुआ करा दी, मैं क्या तुम मेरी माँ हो,
तो माँ ने दुआ करी किसने दुआ करी? तो हाँ इखलाफ हुआ ये जान दे साहब ने, मैंने परवाह नहीं की कभी, किसी की परवाह नहीं करी, किसी बादशाह की परवाह नहीं की। हम तो मुश्किल लोगों के दफेदार हैं, जज बादशाह अमीर साहब हम दिल के गुलाम हैं, नौकर दफेदार हैं। मैं तो अपने शहर के बच्चों का प्यार करता हूँ। ये शनाला मेरा बैठा है इस वक्त, मुझे नाज है हम पर, हसन शाह जी पर, मुश्किल तरतीब है। ये रियासत साहब पास मैंने इनको छोड़ा था वहाँ, तो उस कल परसों में गया कहते हैं आप सुनाओ साहब वाला, मैं अभी थोड़ी बड़ी मेहरबानी, बल्कि इस दरबार में उससे कमरे में गया जिसको शहर दे सकते, वो कमरा उन्होंने बड़ा खूबसूरत बनाया, शीशे डाल आते ना उन्होंने, तो बड़े खूबसूरत। मैं ये तो मेरे सारी याद आ गई है, काफी मैं कह यार वही कमरा है जहाँ वो रहते थे, शाह जी ने इनके लिए स्पेशल कमरा रखा था, इसी वाला कमरा। अल्लाह उनको जिंदगी दे, रियासत साहब का वजूद की मार्जी बरकत है, अल्लाह ताला इस शराजे को जिंदगी अता फरमाए। ये हमारा मान तरान है, ये मेरे किला मेरे शहर के नवासे हैं और बाबा जी मेरे पोते हैं जी, बाबा जी मदीने का जाने के कौन प्यार करेगा, कि सीन ले जाते थे तो किसकी सदर बुलाते थे, उसको फोन करो, मुझे फोन करना, कह रहा हूँ मेरी लैंदा हूँ मेरा मजबूर, मैं उत्तरा मजदूर बैठा है, मैंने कई बार कहना पैसों में मैंने कभी निकाल दिया पैसे ने, शहीद जलाल में आ जाना, हाँ जाओ तो मेरे कमरा, मेरा लगा मैं शहीद का बच्चा नहीं, अगर तुम ना जाओ तो शहीद के बच्चे नहीं। खुदा की कसम जुबैर साहब में कई बार ऐसे गया हूँ कि दरवाजे पर उन्होंने मुझे मिला दिया, दरवाजे पर और मैं सिर पहुंच गया हूँ। अब रोता हूँ कि वो किधर की है जो प्यार करते हैं, जो बुलाते थे, वो हमारी बात मानो भी गिर गई है। दुआ करें अल्लाह ताला उससे अच्छी बिल्डिंग को मेहता करे, जहाँ सारी फैमिली जाती है, मरीज जाती है, रहते हैं, वो मेरी गुलाम का फैदान है, तो वो गिरदे में आगे गिर गई है, लेकिन अब वो प्यार करने वाले, वो मोहब्बत करने वाले, शफकत करने वाले नहीं रहे, क्योंकि वालदा साहब अकल दर्जात बंद फरमाए, नाम भी सईदा खतीजा के नाम पर, जो हमारी पहली माँ है, उम्र मोमिनीन की पहली है, जिसकी बेटी सईदा कायनात है, जिसके नवासे हसन हुसैन है, जिसकी नवासी सईदा जैनब है, जो शाम के बाजारों में चलती रही और भाई का सर देख कर भी कुछ नहीं कहा, जिस पर तू राजी है उसी पर मैं राजी हूं। ये धर्मदान हमारा मोहब्बत करने वाला है, प्यार करने वाला है, अल्लाह ताला ये गुलाम साहब के दर्जे और बंद फरमाए। जुबैर के भाई दूसरे भी है ना, तो साबित रखिए अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु आज़मा शानुहु की हम्दो सना और हुज़ूर नबी रहमत नूरे मुजस्सम हबीबे मुकर्रम शफीए मुअज़्ज़म शहंशाहे हसीना सरफ़ेले ज़ुहरा जमाला सरवरे लाला रुखां नूरे ज़ाते लम यज़ल जलवाए सुभे अज़ल मासूम आमिना साहिबे आलम नशरा दाना सुबुल मौला कुल खत्म रसूल बेकसों के कस बेबसों के बस और बेसहारों का सहारा बेसकूनों का सुकून बेचैनों का चैन आकाए दो जहां अहमद मुस्तबा आफ्ताब हुदा महताब अता दुर्रे बहरे सफ़ा जलवाए हक नुमा अक्से नूरे खुदा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसना में अकीदत मोहब्बत नजराना तन दुरूद व सलाम के नजराने अर्ज कर देने के बाद मेरे बुजुर्ग जलवा फरमा हैं, अल्लाह ताला हमें अपने बुजुर्गों से हुजूर अमीर मिल्लत का और मदीने वाले आका का फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमा। मौजूद सामईन हाज़रीन, अल्लाह ताला राजा साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उनके कुंबे और कबीले की कायद फरमाए।
अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। किसी भी मजहब का बंदा हो, सारे इस बात को जानते हैं कि जो इस दुनिया में आया है उसने यहाँ से वापस जाना है। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जैसे ज़िंदगी गुजारोगे वैसे मरोगे, जैसे मरोगे वैसे ही हशर के दिन उठोगे। यानी फरमाया कि जिस तरह बंदा ज़िंदगी गुजारता है उसी तरह ही मरेगा, और जिंज मरेगा उसे हालत ही हशर वाले दिन उठेगा। यानी हर एक का मरना एक जैसा नहीं, हर एक का मरना एक जैसा नहीं, हर एक का जिंदगी गुजारना एक जैसा नहीं, और हर एक का हशर वाले दिन उठना एक जैसा नहीं, हर एक का हशर वाले दिन उठना एक जैसा नहीं। ते कुर्बान उन्हां लोकां ते जिन्हां दा जीना भी हुजूर वास्ते, जिन्हां दा मरना भी हुजूर वास्ते, जिन्हां दा उठना भी हुजूर वास्ते। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे सन ते सहाबा इकराम जलवा फरमा सन, ते हुजूर नबी पाक ने फरमाया, मौत दा नक्शा हुजूर ने खिंचया, अशर दा नक्शा बयान कीता, ते सहाबा इकराम फरमांदे ने साडे ते गशी तारी हो गए। और हजरत साद इब्ने अबी वक्कास वो ज़ारों कतार रोन लग गए, उची उची ज़ारों कतार रोन लग गए। फबका साद इब्ने अबी वक्कास, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास धाड़ा मार के रोन लग गए। ते हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, और हजरत साद आखन लगे कि काश अज इस वक्त तो पहले ही मैं दुनिया तो चला जाता। हुज़ूर ने जरा मौत का नक्शा बयान किया है सुनने तो पहला मैं दुनिया तो चला जाता। तो हुज़ूर ने की फरमाया, मतलब की सी? आख्या साथ जमाना मरदा ही मेरा मुखड़ा वेखण वास्ते, मैं महफल विच मौजूद हां, तमन्नल मौत ऐ साथ मेरे हुंदियां मौत मांग रहे। ये नहीं फरमाया आ तो तमन्नल मौत कि तू मौत क्यों मांग रहे, फरमाया इंती तो तमन्नल मौत ऐ साथ मेरे हुंदे तू मौत मांग रहे। इतने उलमा इकराम ने बहस की थी, और शेख अब्दुल हाकिम मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा ये वो खानदान है जिदे विच अल्लाह ताला ने 100 मुहद्दिस पैदा किया, और आप वो सिसा जिन्होंने हर रात हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होंदी। बहस जड़ी उलमा ने कि क्या बंदे का जीना बेहतर है या मरना बेहतर है, बंदे का जीना बेहतर है कि मरना बेहतर है। शेख अब्दुल हाकिम मुहद्दिस देहलवी फरमाते ने, अगर मोहम्मद अरबी का मुखड़ा जीदिया नजर आए तो जीना बेहतर है, अगर मर के मोहम्मद जलवा दिखाए तो मरना बेहतर है। इसका मतलब है कि गुलामा ने मोहम्मद वास्ते ना जीना मसला ना मरना मसला, इन्हों वास्ते तो दीदार यार मसला, हुजूर का मुखड़ा देखना मसला, ना जीना मसला ना मरना मसला, इन्हों वास्ते तो हुजूर का मुखड़ा देखना मसला। आंदे ने बंदे दी रूह ना निकल रही होए ते कोल सूरह यासीन पढ़ो, मैं ते सुनया सी कुरान जिंदगी बख्शदा है, ते आख्या जा रहा कि अगर रूह नहीं निकल रही ते कुरान पढ़ो। फरमाया ते चलिया तेनू पता ही नहीं है कि जिंदगी कोई जिंदगी नहीं, जिंदगी ते असल जिंदगी होए जिदे विच मोहम्मद अरबी दा मुखड़ा नजर आया। देखो हर पूरा जमाना जेड़ा है हुजूर दा मुखड़ा वेखण नू तरसदा है। ते हुजूर ने एक जो काफला रवा किया, ते हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि या अल्लाह मैनु उस वक्त तक मौत ना देना जदों तक मैं अली नू ना वेखना, जिन्नी देर तक मैं अली नू ना वेखना या अल्लाह मैनु मौत ना देना। ते दोस्तों इतों ही असीं समझ सकते हैं कि हुजूर नू हजरत अली पाक नाल कितनी मुहब्बत सी। देखो हजरत अली का जिक्र करना इबादत है, वो किस तरह के हजरत आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने कि हुजूर ने फरमाया जिक्रु अली की इबादत, कि अली का जिक्र करना भी इबादत है। अगर अली पाक का जिक्र करना इबादत है तो फिर मोहम्मद अरबी के जिक्र का आलम की होगा। तो दोस्तों असि खुशकिस्मत हाँ कि साड़ी नस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल है, हुजूर नाल नस्बत होए कुरान दी ते कुरान अफजल, हुजूर नाल नस्बत होए हदीस दी ते हदीस अफजल, सहाबा पाक दी ते सहाबा पाक अफजल, हुजूर नाल नस्बत होए अहले बैत।
حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگ طرح طرح کے بکواسات کردے نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق والو حضور نے فرمایا سی ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین فرمایا جدو تہاڈا بندہ مر جائے نا تے اونوں نیکاں دے قبرستان چ دفن کرو کتے دفن کرو نیکاں دے قبرستان چ اونوں دفن کرو مطلب کی سی کہ ناوارث قبرستان چ نہ دفن کرنا جتھے جماعتی علی ہون انہاں دے قدماں چ دفن کرنا جتھے علی حجویری ہوئے اوتھے انہاں دے قدماں چ دفن کرنا جتھے معین الدین اجمیری ہوئے اوتھے قدماں چ دفن کرنا جتھے غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہوئے اوتھے قدماں چ دفن کرنا جتھے علی شیر خدا ہوئے اوتھے قدماں چ دفن کرنا اور فقہا آندے نے جیڑیاں رحمتاں اس نیک بندے تے برسن گیاں اے آلے دوالے جنے نے انہاں تے وی برسن گیاں بھائی سبق ہے وے کہ اگر حضرت امیر ملت دے قدماں چ بندہ دفن ہوئے اودے تے رحمتا برسن داتا علی حجویری دے قدماں چ ہوئے اودے تے رحمتا برسن تے مینوں دسو گنبد خضرا دے وچ جدوں حضور تے رحمتا برسنیاں ہون گیاں ابوبکر صدیق تے رحمتا دے برسن دا عالم کی ہوئے فاروق اعظم تے رحمتا دے برسن دا کی عالم ہوئے گا جیڑی رحمت اوتھے برسدی اوناں تے وی برس تے دوسری طرف کچھ لوگ بکواسات کردے نے حضرت سیدہ مخدومہ کائنات دے حوالے نال بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا امام بیہقی نے روایت نقل کی تھی کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق آئے بی بی پاک دی بارگاہ وچ پتہ چلیا انہاں دی تیمارداری واسطے بیمار نے تے آئے امام بیہقی نے روایت نقل کی تھی جدوں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق آئے تے انہاں حضرت علی نوں آکھیا کہ مینوں اجازت دیو میں انہاں دی بارگاہ چ حاضر ہونا چاہنا حضرت علی نے پوچھا حاضر ہو گئے گھٹنیاں دے بل سخت دھوپ دے وچ تے آکھیا کہ میں اپنا مال اولاد ہر شے اللہ دے رسول دی رضا واسطے اور اے اہل بیت تہاڈی خوشنودی واسطے ہر چیز خرچ کیتی ہر شے نچھاور کیتی بی بی پاک تسی ایک دفعہ اپنی زبان نال فرما دیو کہ میں تہاڈے دے راضی ہاں علی گواہ ہو جان میں آخیا صدیق اکبر ایڈی کیڑی ضرورت پی گئی سی تہاڈے تے قربان کہ تسی آخیا میں امت دا قائد ہاں صحابہ دا امام ہاں لیکن مینوں پتہ ہے کہ محمد وی اوہدے تے راضی ہے جہدے تے زہرا راضی ہے امام زین العابدین فرماندے نے لوکو جنت تے مسئلہ ہی کوئی نہیں اے تے ساڈے ناں نال ہی لب جانی ہے فرمایا امام زین العابدین فرماتے ہیں جو اہل بیت کے کمی اور نوکر ہم بیٹھے ہیں آپ کا دل جب یہ بات سوچیں گے رات کو بستر پہ بیٹھ کے لیٹے ہوئے کہ دل کرے گا رقص کریں یہ جملہ سنیں امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کے لیے یہ کم ہے کہ ہمارے کہلاتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کے لیے یہ کم ہے کہ ہمارے کہلاتے ہیں تو دوستو یہ بڑی بات ہے کہ بندہ حضور کا ہو جائے حضور کے صحابہ کا حضور کے کنبے قبیلے کا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت امیر ملت محدث علی پوری قبلہ عالم فرماتے تھے بھائی عقیدہ جتی پرانی ہو جائے تو نمی لے لو سواری پرانی ہو جائے نمی لے لو کپڑے پرانے ہو جائے نمی خرید لو لیکن فرمایا عقیدہ تے دینوں ہی رکھیو جیڑا تو آڑے باپ دا دے دا اللہ تعالیٰ تو آنے تے منوئے نہ کرنا تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے ہیں ہم آگے یہ سرکار
मदीना की मुबारक के जिंदा रहना है तो दिल शान मदीने में रहे के जिंदा रहना तो है इंसान मेरा साथ।